मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेल इस वक्त सुबह के 7:30-8 बज रहे हैं एंड मैं नीचे आ रखा हूँ जॉगर्स में। जॉगर्स जो है वो पूरा भरा हुआ है और मेरे साथ यहाँ पर रौनक भी आ रखा है। रौनक ने कहा आज वो नीचे पार्क में खेलेगा, लेकिन खेलने जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी पूरा एकदम पानी भरा हुआ है। तो चलो हम लोग भी पैपिक की तरह यहाँ पे मडी पडल्स खेलते हैं और पानी में कूदेंगे। फिर घर में जाके मम्मी से डांट खाएंगे दोनों। वेल तो कल रात को खूब बारिश हुई और रौनक आज तो आप भीगो गए, अभी बारिश आएगी। तो अभी सुबह इस वक्त तो बारिश हो नहीं रही, लेकिन शाम को या दोपहर में अगर बारिश होगी तो मैं रौनक नीचे आएंगे और हम दोनों के दोनों बारिश में भीगेंगे। अम्ब्रेला के साथ? क्या अम्ब्रेला के साथ कैसे भीगोगे यार? अम्ब्रेला के साथ तो भीगेगा ही नहीं कोई भी है। घर जाके मार। अरे बाप रे, मम्मी से बहुत डरता है रोना। हाँ। क्यों डरते हो मम्मी से? नहीं डरते, मम्मी प्यार करती है बहुत। तो वेल अभी मैं रौनक नीचे आ रखे हैं, तो यहाँ पे तो पूरा पानी भरा हुआ है। तो फिर अब हम मैं और रौनक वापस ऊपर जाएंगे, तो हम ऊपर घर पे ही कुछ इंडोर गेम्स खेल लेंगे। हाँ। तो अगर हम कुछ खेलेंगे तो आपको बताएंगे कि नहीं। हाँ। हम लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं और रौनक ने कहा कि स्टेयर्स से जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे हम लोग, लिफ्ट यूज नहीं करनी। तो मुझसे पहले पहुंच गया है, मुझे लगता है आवाज आ भी नहीं थी। अभी मैं 4th फ्लोर पर ही पहुंचा हूं एंड नीचे जितनी आसानी से उतरते हैं उतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ते हैं। राउंड वह तो मैं 5th फ्लोर पे पहुंच गया हूँ। ने मुझे डराया। वेल तो हम घर पहुंच गए हैं। रौनक जो है वो तो मुझसे पहले ही पहुंच गया, तो पर थका हुआ है, वो थक गया। डराने के लिए बंद करो। अच्छा, डराने के लिए वो मुझसे पहले दौड़ते ऊपर पहुंचा। हाँ। और उसने मुझे डराया। अक्सर वो मुझे डराता रहता है। बोबो किचन में काम कर रही है। मम्मा क्या कर रही है, क्या बना रही है दोनों के लिए? वाओ, देख के आएगा, देख के आएगा। रोटी बना रहे हैं, रोटी नाश्ता बना रहे हैं। तो मैं रौनक तो फ्रेश हो गए हैं, तभी जस्ट वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट पे। नाउ इट्स टाइम टू क्लीन माय टेंपल। वेल उसके बाद मैं पूजा करूंगा। पापा मम्मी हमेशा कहते आए हैं कि सुबह पूजा करनी चाहिए और धूप या अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है। तो वेल मैं पूजा करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं टेम्पल साफ करता हूँ अपना छोटा सा प्यारा सा। रौनक जी जो है यहाँ वहाँ टहल रहे हैं। वेल हम दोनों नहा चुके हैं, तो अब रौनक आपको क्या करना है? आप मेरे साथ करोगे टेम्पल क्लीन? करना है या कुछ और करना है आपको? कॉल लेते नहीं, अगर करना है तो हाँ बोलो, वरना आप खेल लो, ठीक है? तो पूजा हो चुकी है और नाश्ता भी तैयार है, टेबल पे लग चुका है।
वेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं और रौनक जो है वो लूडो खेल रहे हैं, यानी कि सांप सीढ़ी। हम लोग तो सांप सीढ़ी कहते थे जब छोटे थे, उसके बाद पता चला इसे लूडो भी कहते हैं, और आजकल के बच्चे तो खैर लूडो ही कहते हैं। तो बस अभी बारिश तो हो नहीं रही है, कल हो गई और आज गर्मी बहुत हो गई, ह्यूमिडिटी काफी हो रखी है मुंबई में इस वक्त। What happened? You're tired? Tired of reading? No. Then? I see. Just relaxing. Relaxing. Okay, chalo, you relax, okay? I मुझसे कहा कि रिलैक्स हो जाओ, फिर यहाँ पे बाजू में आके बैठ के पता नहीं क्या कर रही। डिस्टर्बिंग। बैठ मेरे पास, तुझे देखता हूँ या देखती रहूँ? तो यार मेरे पास बैठ के मुझे देखती रहेगी, कैसा रेस्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। But you're not relaxing, I'm disturbing you, na? No, you're not. Yeah, really? Okay, chal, I'm sitting here. हो गया सब काम? हो गया, भाई भी चले गए। चलो गुड, मैं भी रिलैक्स करो, तुम भी रिलैक्स करो, मैं रिलैक्स करो, तुम भी करो, कुछ पढ़ लो, तुम भी जाओ पढ़ो। ओके हिंदी पढ़ो, हिंदी। नो, आई डोंट नो हाउ टू रीड हिंदी। हिंदी पढ़ती नहीं है बिल्कुल भी। चलो कुछ नहीं तो फिर कुछ और पढ़ लो, कुछ देखना देख लो, तुम्हारा अनुपमा। Boring Pama ही हो गया तो। I watch only one serial. That is Anupama. और मेरा बेटा जब भी बबू को अनुपमा देखते हुए पाता है तो बोरिंग पमा पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक देता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं वापस जल्दी। दोपहर के 2:30 बज गए हैं एंड वेल मैं तो उठ गया हूँ एंड खाना खाने का टाइम हो चुका है। बोबो जो है वो अभी भी रेस्ट कर रही है बेडरूम में, तो मैं देखता हूँ बोबो ने आज क्या बनाया है। ओ वाव, इट्स दाल मक्खनी एंड राइस। वाव, मजा आने वाला आज तो यार। दाल मखनी इज माई फेवरेट, राजमा दाल मखनी एंड येलो दाल इज माई फेवरेट, दीज आर 3 माई फेवरेट्स। बाकी तो बोबो जो भी बना के देती हूँ मैं खा लेता हूँ, मैंने आज तक कभी नखरे किए नहीं मैंने। हाँ बच्चों ने बड़े नखरे करता था, लेकिन जब माँ बाप से अलग हुआ इधर बॉम्बे आया एक्टर बनने के लिए, तो उसके बाद सब दाल चावल आटा का जब पता चला तो फिर उसके बाद वो सारे जो नखरे होते हैं वो सब खत्म हो गए थे मेरे। फिर अब जब भी मैं घर जाता हूँ देहरादून भी जब जाता हूँ तो कभी नहीं बोलता मम्मी को कि मम्मी मेरे को यही खाना, यही बनाओ आप, ये इसके अलावा मैं कुछ और नहीं खाऊंगा। पहले बहुत नाटक करता था मैं इस तरीके के, तो अब नहीं करता हूँ मैं। आई मीन जब पिछले 15-20 सालों से तो मैंने नहीं किया, 20 साल से तो नहीं किया मैंने। हम तो वेल तो वही मैं इनाली के साथ भी कभी फिर नखरे नहीं किए मैंने कि भैया आज ये बनाओ कल वो बनाओ, आज ये खाने का दिल करा वो खाने का दिल करा, जो मिल जाए आराम से खाता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। तो चलिए मैं अपनी प्लेट बनाता हूँ मैं। अरे बीच बीच में एक लड़का यहाँ से यहाँ कूद काद के पता नहीं क्या देख रहा है, छुप गया। तो चलिए मैं अपनी प्लेट बनाता हूँ। तो प्लेट बन चुकी है मेरी एंड टेस्ट करते हैं कैसा है। Really too yum. Well, इस मामले में बड़ा लकी हूँ मैं कि आई मीन नानी जो है वो बहुत ही अच्छी कुक है और मुझे कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप मुझे सब कुछ मिल जाता है, वो भी बहुत टेस्टी। आई एम इन्जॉइंग माई फूड, होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे अपना फूड। ये लंच टाइम है तो इन्जॉय योर फूड, मिलते हैं शाम को। वेल तो जो मेरे दोस्त हैं राधा कृष्ण के फैन हैं, इस बैलगाड़ी को देख के कुछ याद आ रहा है एंड वेल मुझे इस बैलगाड़ी को देख के एक फिल्म भी याद आती है जिसका नाम था तीसरी कसम, राज कपूर साहब की थी वो, बहुत ही कमाल की फिल्म थी। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, ये वाला सॉन्ग था उसमें। वेल बैलगाड़ी को यहीं पे छोड़ता हूँ मैं और देखने जाता हूँ कि हमारे छोटे मियाँ यानी कि रौनक जी अंदर क्या कर रहे हैं।
ओहो वेल रौनक जो है इस वक्त खेल रहा है अपने टॉयज के साथ। ये क्या बनाया आपने, कौन सा टावर बना दिया आपने रौनक? हाँ? ये क्या है? वाह ये तो चेस का है ना। ये इसको क्या बोलते हैं चेस में पता है आपको? ऊंट। हाँ ऊंट बोलते हैं इसको। ये देखो चेस के सारे अपने घूट के यहाँ फैला रखी है एंड यहाँ पे जितने भी सॉफ्ट टॉयज हैं उसमें ज्यादातर कैट्स हैं क्योंकि रौनक जो है वो कैट लवर है, आप सब जानते ही होंगे इस बारे में। तो बाबा छोटे छोटे बेबीज भी, बेबीज दिखा छोटू देखो किटन से रौनक की छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी किटन्स एंड ये रौनक की पहली कैट है वो अभी तक उसने संभाल के रखी हुई है और बाकी और भी हाँ ये भी है और किधर है और भी थी ना कहाँ गई वो बाहर होंगी हेलो किटी था और एक और येलो कैट। ओहो तो वेल रौनक यहाँ पे बिजी है खेलने में टॉयज के साथ और बोबो उठ गई है तो मैं भी बोबो के पास जा रहा हूँ। बोबो क्या कर रही है देखते हैं। ले अभी भी आंखें बंद करके लेटी हुई है। हेलो बोबो डार्लिंग बहुत थक गई है यार। खैर इनका रेस्ट करना बनता भी है, आई मीन शी इज नॉट वेल, तो थोड़ा बहुत भी काम करती हैं तो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो ठीक है आप रेस्ट करो, आपको कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। वैसे दाल मखनी बहुत अच्छी थी, ये तो सो रही थी मैं खा गया तो कुछ चाहिए देखो क्या चाय? नो वेरी हॉट। देखो कल इतनी बारिश हुई रात को, बहुत तेज बारिश हुई और हमें लगा कि आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा होगा, ठंडा होगा, लेकिन आज सुबह से बिल्कुल बारिश नहीं हुई। रौनक और मैंने डिसाइड किया था कि हम बारिश में नीचे जाएंगे और मस्ती करेंगे, लेकिन सब फ्लॉप हो गया है। कल, तो कल हम लोग जाने वाले थे। हाँ कल जाने वाले थे लेकिन फिर क्या हो गया था बेबी? मम्मा ने गुस्सा करके बोला मम्मा ने गुस्सा कर दिया कि नहीं गीला मत होना आज पहली बारिश है और रात का वक्त है इसलिए जाने को मना किया था। तो वेल आज गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है क्योंकि कल बारिश हुई तो पूरी जो धरती से जो है वो गर्म भाप ऊपर निकल कर आती है बारिश के बाद, तो वही हो रहा है यहाँ पे मुंबई में इस वक्त। तो कुछ ठंडा पीना है क्या? फ्रेश लाइम सोडा। ओके तो मैं बोबो के लिए फ्रेश लाइम सोडा बनाने जा रहा हूँ और मेरी बेटी जो है वो भी है घर में इस वक्त तो मैं मिलाऊंगा उसे बाद में। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश लाइम सोडा बनाने के लिए। वेल तो फ्रेश लाइम सोडा जो है वो बन चुका है और अब मैं जा रहा हूँ बोबो के पास। वेल बोबो ये रहा आपका फ्रेश लाइम सोडा। वाओ क्या एक सिप तो लिख No, after we all हाँ हाँ वेल इसी के बिना तो काम ही नहीं चल रहा भैया। Yes, where's your glass? No, I'm not drinking. Why? I will have tea after some time. I also will have. Now we are feeling cold. तो वेल Yum. ये पूरे महीने दो महीने जो है इतनी बिजली इतनी एसी चली है कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे। यहाँ पे जो बिल आ रहे हैं बहुत ही बड़े खतरनाक बिल आ रहे हैं सभी के, बिल्डिंगों में 10,000-12,000-15,000 ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे पर मंथ। चलो एनीवे मिलता मैं फिर से थोड़ी देर के बाद। वेल रिधिमा स्कूल से आ चुकी है एंड अभी अपना लंच कर रही है। हाउ वाज योर डे? नाइस। बस शर्माती रहती है, बहुत शर्माती है ये, शर्मीली है या अपना बेटा जो है ना एकदम बिंदास लड़का है, एकदम अपनी जो बेटी एकदम थोड़ी सी शर्मीली है, बहुत ही शर्मीली है। और ये जो लड़का है ये तो बहुत ही नौती है। वेल रौनक भी अपने आप खाना खाता देखिए। एंड ये है हमारा रोनू, रोनू जी, रोनू 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 रोनू। और पीछे जो बोबो है वो मोबाइल में बिजी है अपने। देखो खाते खाते भी दोनों लड़ते रहते। ये जो रिधिमा है ये बहुत
ये रिधिमा जो है वो रौनक को बहुत तंग करती है, बहुत छेड़ती रहती है, वो है ना? इतना छोटू सा बेबी है ना ये, इसको भी इतना तंग करती रहती है बड़ी दीदी। मैं तो मारता हूँ। तू मारता है किसको? अगर कोई हाँ, लेकिन दीदी को तो कैसे मार पाएगा, दीदी तो बहुत ही स्ट्रांग है। मारता है, मारता है वो। और तुम कुछ नहीं करते हो? ये देखो ये हमारी जज साहिबा है। यू वॉन्ट स्टॉप? वेल तो अभी खाना खाओ, खाते वक्त ज्यादा बात करते नहीं है। खाते वक्त भी लड़ाई करे ये तो हर वक्त लड़ाई करते हैं, मौका मिलना चाहिए बस लड़ने का। वाओ बबो क्यूट लग रही है वो। एल एल का मतलब क्या होता है? तुमने तुमने लव दिया कि लूजर बोला? लव दिया, लव दिया दीदी ने। नहीं वो उस टाइम नहीं रोल नहीं था तब। चलो फिर तुम दोनों खाओ। रौनक जो है देखो अब मेरे हाथ से खा रहा है। मेरे को लगता है उस वक्त वीडियो के लिए उसने अपने आप खाने की कोशिश की, उसके बाद अब वो पापा आप ही खिलाओ मुझे, अपने फुटबॉल खेलने में लगा हुआ है। इस वक्त बोबो ने अपने हाथ में मोबाइल जान दिया क्या? ले आ रहे हैं रौनक को, कुकरे थी रौनक को, कुकरे थी बॉल मेरे पास फेंका, मैंने वापस उसको दिया और वो नीचे गिर गया। वाह ये हो गया मेरा एक गोल। वेल इस वक्त रिधिमा जो है वो मोबाइल में बिजी है, मेरा ही ब्लॉग देख रही है वो, देख रही है कि पापा एग्जैक्टली बनाते क्या है, क्योंकि वो इन्वॉल्व तो होती नहीं है तो इसलिए वो देखती है सिर्फ। बाकी रौनक जो है वो फुटबॉल खेलने में बिजी है, लाली पोपो जो है वो मोबाइल लेके घूम रही इधर उधर 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 उधर। फैन बहुत तेज चल रहा है, इससे मेरी आवाज ठीक से आप तक पहुंच नहीं रही होगी। तो दोस्तों आज बारिश ने हमें धोखा दे दिया, आज बारिश नहीं हुई और आज जमकर गर्मी हुई। आई मीन दिन में वैसे हम कम ही एसी यूज करते हैं, लेकिन आज एसी यूज करना पड़ा हमें। एंड एनीवे फिर भी दिन ठीक ही था, अच्छा था। मेरे गुलगुले को आज बारिश हमने सोचा था आज बारिश में खेलेंगे मस्ती करेंगे दोनों, लेकिन लेकिन हमारा जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। अब हम कल बारिश का वेट करेंगे, है ना वो, है ना? तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओके तो बोलो बाय 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 बाय। देखो रिधिमा भी आ गई, रिधिमा कुछ कुछ प्रोजेक्ट कर रही है अपना स्कूल का, तो उसी में लगी हुई है। एंड तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल, फिर दोबारा अगर बारिश होगी तो मैं रौनक खूब मस्ती करने वाले हैं कल, अदरवाइज देखते हैं। बाय बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।